हाय गाइज, कैसे हैं आप? रश्मि की किचन में आपका स्वागत है। आज हम सफेद रसगुल्ले बनाएंगे सूजी से। सूजी से रसगुल्ले बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, एक बार हम उन सभी चीजों को देख लेते हैं। और सूजी के रसगुल्ले खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि छेना वाले रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, बस उसी तरह ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं और मार्केट में भी ये बहुत बिकते हैं। हम पही बनाएंगे सूजी से, अपने बना लेते हैं रसगुल्ले। ये हमारी 1.5 कप सूजी है। गैस को हमने ऑन कर लिया है, अपना एक पैन रखा है। इसमें 1 चम्मच देसी घी, सूजी के लिए 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। एक से दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें दूध को ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। हमने 1.5 कटोरी सूजी ली थी, तो दूध भी हम 1.5 ग्लास ही डालेंगे। इसे एक चिकना और स्मूथ डो बनाएंगे। स्लो गैस पे ही बनाना है। 2 बड़े चम्मच चीनी को भी ऐड करेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक एक चिकना और अच्छा डो ना हो जाए। 1 चम्मच घी और ऐड कर लेते हैं कि ये चिकना रहे। ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। हमने एक प्लेट में इसको कर लिया है। हमने दूसरा बर्तन रखा है और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही चीनी ले रहे हैं, 1.5 कप। जो सूजी का एक डो जैसा तैयार किया है उसको ठंडा होने देते हैं और इधर हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। 2 इलायची लिए हैं हमने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, बबल्स हल्के से बनने लगे हैं। इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो हमने डो तैयार किया है उसकी रसगुल्ले बनाएंगे। हमने 1 चम्मच घी लिया है, हमें घी और ले लेना है और इसको स्मूथ और चिकना आटा तैयार करना है। जितना ज्यादा आप इस आटे को चिकना बनाएंगे, जैसे हम आटे को गूंथ गूंथ के चिकना बनाते हैं, उसी तरीके से इसको चिकना बनाना है। बहुत ज्यादा इसको मसल मसल के बनाना है, क्योंकि ये जब तक चिकना और स्मूथ नहीं होगा तब तक आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट भी नहीं होंगे, हो सकता है ठोस हो। इसलिए इस आटे को जितना आप मसल मसल के तैयार करेंगे उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे। इसका मेन काम यही है, ये करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इसको चिकना तैयार करना है। हमारा आटा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। एक नींबू के बराबर आटा लिया है, इसकी बॉल बना लेते हैं और इतने अच्छे से बनाएं कि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे। आप देख रहे हैं,
इसी तरीके से हम सभी की बॉल्स बना लेते हैं। हमारी चाशनी बनकर तैयार है, बस इसका सिर्फ चिपचिपाहट होनी चाहिए, ताक नहीं बनाना है इसमें। हमारे रसगुल्ले बन गए हैं, अब हम इनके लिए इनमें छोड़ देते हैं और उतने ही पीस डालें जितने आपके बर्तन में आए। अब हम इसके लिए 5 से 6 मिनट के लिए ढक देते हैं और स्लो फ्लेम पे ही पकाना है इनको। देख लेते हैं रसगुल्ले को, आप देख रहे हैं डबल हो गए हैं, काफी फूल गए हैं। और अभी हम थोड़ी देर और इनको पकाएंगे, अलट पलट कर देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे रसगुल्ले देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पक चुके हैं। अब हम इनके लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, जो हमारे बाकी रह गए हैं उनको भी इसी में छोड़ देते हैं, इनके लिए भी ढक देते हैं 5 से 7 मिनट तक। देख रहे हैं हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनके लिए भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, गैस के लिए ऑफ कर देते हैं। हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, आप देख रहे हैं दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब हम मेजरमेंट करें, बस कफ नहीं है मेजरमेंट वाला, तो आप जिस भी बर्तन से सूजी ले रहे हो उतना ही दूध लें। अगर आप एक कटोरी से ले रहे हैं तो एक कटोरी सूजी, तो उसके लिए 1.5 कटोरी दूध होना चाहिए और 1.5 कटोरी ही चीनी होनी चाहिए। आप दूध के लिए डालें सूजी में भूनने के बाद, तब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि गुठलियां ना बने, और जब तैयार हो जाए तब उसके लिए इतना स्मूथ और चिकना आटा तैयार करें, मसल मसल कर बहुत ज्यादा चिकना करना है, तभी आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। मेरे रसगुल्ले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।